नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति पर। यह महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो आज मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा महाराष्ट्र के राजनीति में भ्रष्टाचार। जी हाँ, इस जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी 2.5 साल तो भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी सुर्खियाँ बनी हुई थी कि महाविकास आघाड़ी सरकार में 100 करोड़ की वसूली हो रही है, 200 करोड़ की वसूली हुई, बाहर से वसूली हो रही है। लेकिन क्या महायुति सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार कम हुए हैं? इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्य जी से और जानेंगे कि करप्शन का जड़ जो है कहाँ तक फैला हुआ है और क्यों फैला हुआ है। सर बिंदास बोल दिया। बिंदास तो बोलना ही है जी, वो तो अपना स्वभाव है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आगे का सुनने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यस बिल्कुल। सर मैं आज कुछ सवाल आपको भी पूछूंगा जी, आपके सवालों का जवाब तो देना ही है। आपको प्रमेय फिशिया क्या लगता है कि महाआघाड़ी सरकार और महायुति सरकार जी, और महायुति सरकार जब बोलते हैं तो पहले शिंदे फडणवीस की थी, अभी अजीत दादा की भी है, तो कौन सी सरकार की छवि जी, असल भ्रष्टाचार के बारे में मुझे बोलना चाहिए और छवि के बारे में आप बोल सकते हैं, कौन से सरकार की छवि आपको साफ सुथरी लगती है, या इससे ये कम था या इससे ये ज़्यादा है ऐसा लगता है, बताइए ना जरा। आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया फिर से, मेरे मतलब मेरा बॉल मेरे को आके मार दिया है आपने, गुमराह हो गया। सर देखा जाए तो भ्रष्टाचार तो जड़ से फैला हुआ है, उसको तो कोई मतलब रुका ही नहीं सकता। लेकिन कम ज़्यादा और छवि की बात आप कहेंगे तो जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो सरकार थी आघाड़ी सरकार, वो तो पूरी तरह से बदनाम थी। 3 टन हालांकि उन्होंने किया महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल से 1999 से लेकर 2014 तक लगातार उनकी सरकार थी। लेकिन करप्शन से जिस तरह से मामले सुने, मैं अभी की सरकार जी, ये 2019 में जो उद्योग की सरकार आई महाविकास आघाड़ी, वो और अभी जो शिंदे सरकार है उसकी ही सीमित रखना चाहता हूँ जी। पहले क्या हुआ वो तो अलग है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिस तरह से खुलेआम पैसे लिए जा रहे थे, उसका मैं भुक्तभोगी भी हूँ। मैं बोलो ना, बोलो, ये नहीं कर सकता मैं। क्यों बोल दो, मैं कैसे नाम बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? आप में हमारे में शायद यही फर्क है, आप नाम लेके बोलते हैं और मैं जो है सर, क्या मामला क्या था? मामला ऐसा था कि कुछ मैटर थे, उस सिलसिले में मैं मुंबई कमिश्नर ऑफिस गया था, मुंबई पुलिस कमीशन। यस, वहाँ पर सचिन वजे नाम का जो ऑफिसर बैठा हुआ था वहाँ पर, हालांकि वो अंदर गया, अभी जेल में है वो, मनसुख हिरेन मामले में ओपनली पैसे मांग रहे थे सर। और कुछ लोगों के फोन भी मेरे को आए कि मीडिया के वो लोगों से पैसे मांग रहे हैं तो कौन बचेगा उनसे, मतलब मीडिया में। जैसे कि जो एक मेरा मित्र था उसका फिर फोन आया था, उसने कहा कि हम हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि तुम जो है जो वीडियो चलाते हो उसका व्यू जो है इलीगल तरीके से बढ़ाते हो, इसलिए तुम टीआरपी भी अलग बात हो गई, व्यू सर जो आज भी व्यू लोग देखते, अभी आपका वीडियो है, आपका व्यू अगर 1-1 लाख जाता है तो क्या आप जबरदस्ती बढ़वाते, पैसा देके बढ़वाते, ऐसा तो नहीं ना। तो उसके ऊपर ऐसा अनाप शनाप आरोप लगा के उसको तुम्हारे FIR जरूर जाएगा, ये है वो वाजही धमकी दे। यस और कितने लोग अरेस्ट, कितना मांगा? कम से कम वहाँ पर सर 50 लाख के नीचे तो कोई बात ही नहीं सर। क्या बात है, सीधी सी बात। मैंने वाजे का एक किस्सा तो सुना ही है मेरे दोस्त के बारे में, तो जब हम तो उनके मित्र थे, हमसे जब पैसे मांगे तो मैं भी मित्र था। मैं वाजे एक कंप्यूटर लेके घूमता था, उसको बेचना था तो मैंने 25 कंप्यूटर उसके मैंने बेच के दिया अपने दोस्तों को, तो हराम इतना। तो ऐसा था कि तो सर अगर ऑफिसर अगर खुला पैसा मांग रहा है तो बदनाम कौन होगा? सरकार ही होगी, क्योंकि वो सीधा बोलता है हमको ऊपर पहुँचाना होता है, ऊपर कहाँ पहुँचाना होता है सबको पता है। तो जब इस तरह की बातें होती है तो भ्रष्टाचार कहाँ रुकने वाला है सर। अब रही बात महायुति की, पूरी महायुति की, तो अभी तक तो सर अभी इसमें तो मैं शिकार नहीं हुआ हूँ, लेकिन सर पैसा नहीं लेता कोई, ऐसा तो नहीं होता, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है, ये मैं गारंटी साथ भी और आज भी नहीं ले सकता है। कोई इधर से लेता है, कोई ऐसे लेता है, कोई नीचे से लेता है, इतना ही फर्क है। बट किसी का अगर कुछ काम है तो बिना पैसे अगर कोई कर ले, हक से कर ले, तो मैं नहीं मानता। अब आप बताइए कि आपको आपके हिसाब से क्या और लगता है सर? कैसे हैं कि
उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में जी जो लोग थे उनमें से भारतीय जनता पार्टी के 9 नहीं थे उसमें। उद्धव की जो महागठबंधन सरकार थी उसमें 9 लोग नहीं थे। कौन से नहीं थे? फडणवीस के साथ जो बीजेपी से आए हैं वो नहीं थे। क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप? अभी जो महाआघाड़ी की सरकार थी जी वो कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना उद्धव की जी उस समय तो एक ही थी। एक ही थी ऐसी सरकार थी। बराबर है। तो वो सरकार में खाली भाजपा का लोग नहीं थे। बराबर अभी समझ गए। तो बाकी सब तो वही है। आपका कहने का मतलब वही है। वही मैं कह रहा था कि अभी जो है उनमें से 2/3 जी तो पहले मंत्रिमंडल में थे। तो पहले मंत्रिमंडल की जो छवि थी जी उससे 2/3 छवि तो इनकी भी वही होगी। वही हो गई। सीधी सी बात। वही लोग हैं। वही लोग हैं। मगर सर उसमें 2-3 फर्क है। एक तो ऐसा है कि उद्धव ठाकरे के जमाने में जी पैसे का लेन देन का व्यवहार जो था वो ज़्यादा करके वरुण सरदेसाई, मिलिंद नार्वेकर, अनिल परब जी और एक है उनका पल्लू वो और रानी साहिबा वो सब व्यवहार देखती थी। और उनके यहाँ से आदेश जाते थे कि सिंधे साहब नहीं थे। सुनो ना मेरी बात पूरा बताऊंगा ना मैं। ऐसा क्यों मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा ना जी। तो वहाँ से मैसेज आते थे कि इतना आपका कलेक्शन ये महीने आना चाहिए। टारगेट हाँ टारगेट दिया था ना वो क्या अनिल देशमुख और 100 करोड़ के बाद जो बाजे बोलता है वही नहीं था। हर एक मंत्री को टारगेट दिया हुआ था और देते थे। वो स्टैंडिंग कमेटी को भी दिया था। स्टैंडिंग कमेटी का और महापालिका का तो सभी जगह का पहले से ही जी 25-30 साल से जब से शिवसेना है तब से वो तो दे ही रहे थे। ये भी दे रहे थे। सर इसमें एक थोड़ा फर्क क्या है बताता हूँ मैं। हाँ आप अभी आपने शिंदे साहब का नाम दिया जी। आपको कुतूहल होगा कि भाई क्या शिंदे साहब को भी खंडनी देनी पड़ती थी क्या? तो देनी पड़ती थी। आप मुझे ऐसा कातरी में नहीं पकड़ सकते। आप सीधा पूछेंगे मैं सीधा जवाब दूंगा ना जी। जी देना पड़ता था कि नहीं? देना पड़ता था सर। उल्टा ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जी कॉन्ट्रीब्यूशन एक तुम्हारे उद्धव को शिंदे साहब ने दिया। नगर विकास मंत्रालय था सर उनके पास। और PWD मंत्रालय था। और इसके बावजूद रानी साहिबा जो थी वो इनके खाते में डिपार्टमेंट में ये करती थी, इंटरफियर करती थी, ऑफिसर लोगों के तबादले करती थी, अपॉइंटमेंट्स करती थी और कॉन्ट्रैक्टर जो आते थे तो उनसे डायरेक्ट वो मीटिंग करके टेंडर दे देती थी। तो एक बार इन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट अगर उनसे पैसा ले रहे हैं तो मैं आपको कहाँ से दूंगा। वो मेरे पास आएंगे तो वो बोले ऐसा उन्होंने सर उद्धव ऐसे बिंदास आदमी है, कभी बिंदास कभी दास। उसने बोला कि द्राविड़ी प्राणायाम मालूम है ना, द्राविड़ी प्राणायाम ऐसा हाथ से हम लोग खाते हैं तो ऐसा करके खाना इसको बोलते हैं द्राविड़ी प्राणायाम। नहीं तो एक द्राविड़ी प्राणायाम की मुद्रा भी होती है कि जिसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं उसके बदले ऐसा करते हैं। मेरा हाथ भी पहुंचता नहीं, मेरे को आदत नहीं। तो उद्धव बोले कि द्राविड़म करें चला अभी डायरेक्ट गेतो ना, ऐसा भी बोले थे। और अनिल पर शायद सर शिंदे साहब नंबर 2 पे रहेंगे पैसा देने में इसको उद्धव को। नंबर 1 पे अनिल परब था क्यों? परिवहन उसका था सर। हर एक ट्रक चलता था, गाड़ी चलती थी, रिक्शा चलती थी, RTO का ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता था, बदली होती थी, कुछ भी होता था। रोज का इतना लाइसेंस, इतना पकड़, उतना धकड़। सीमा पे तो मैंने बोला कि सीमा जो है महाराष्ट्र गुजरात की, महाराष्ट्र कर्नाटक की, बॉर्डर 1, 2, 3, 4 तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट देने के लिए मेरे दोस्त ने दिए 1 करोड़ रुपये। वो कितने करोड़ दिए मैं बोल चुका हूँ शायद 25 करोड़ लेके। देखो 25 करोड़ सर बॉर्डर पे अपॉइंटमेंट के लिए ऑफिसर का। अनिल परब नाम लेता हूँ ना सर, वो करता है ना फिरियाद बिरियाद करता है सर। मगर जो लेता था तो वो लेता था। और क्या है ना कि
कुछ लोग होते हैं ना वो मर्यादा में खाते हैं, मर्यादा में खाते हैं मतलब ऐसा है कि हाँ लिमिटेशन का मतलब जरा समझाता हूँ आपको कि मंत्री के पास आप 100 करोड़ का काम लेके गए तो मंत्री आपको बोलेगा कि भाई मैं एकदम सीधा साधा न्याय बुद्धि वाला आदमी हूँ, मुझे मालूम है कितना लेना है, तो इसमें मैं 15 से 25 मेरा रहेगा करोड़ 100 करोड़ का अगर है एक हाइपोथेटिकल तो 15-20 करोड़ 25 करोड़ मेरा रहेगा और एक 20-25 करोड़ आपको अधिकारियों को देना होगा। वो उनका जो अधिकार है सर, मंत्री बहुत न्यायी थे अभी भी है, 25 करोड़ उनको देना है, 50 करोड़ में आपका ये बिठाना है, तो बजट ही उसी तरह से बनाओ कि हमारा सब देने के बाद तुमको कम से कम वहाँ दगड़ रखने के लिए तो पैसा रहे पहुँचना चाहिए। और वो कॉन्ट्रैक्टर रहता था बोला ये 25 खा गया काम मैं करूँगा, मेरे को 25 नहीं चाहिए, मैं चाहिए पूरा पैसा मैं लगाऊंगा तो 25 का ही काम करूँगा, है कि नहीं? बिल्कुल वही चल रहा था। और एक मंत्री छोड़ के उसका नाम नहीं इसके लिए लेता हूँ क्योंकि बाकी बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिया ऐसा होगा, बाकी जनरली सब पैसा अनाप शनाप खाते थे। कब की बात कर रहा हूँ, महायुति नहीं महाअघाड़ी की, महाविकास आघाड़ी, हाँ अभी 2019 की बात ना, हाँ 2019 से ये 2000 पिछले साल 22 तक अभी 22 और 23 अपनी महायुति की सरकार है। अभी ऐसा है कि सर बीजेपी के मंत्री पैसा खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्या लगता है आपको? क्यों नहीं खाएंगे सर? आप भी अभी वस्ताद हो रहे हैं, चले वस्ताद हो रहे सर, उन्हें भी खाते थे सर, सिस्टम ही करप्ट हो गया है पूरा। नहीं सर वो कैसे है ना, लोगों के दिमाग में है कि बिना पैसा काम ही नहीं होगा इसलिए पहले पैसा दे ही दो। सर उससे बड़ी बात बताता हूँ, एक कमिश्नर थे जी पुलिस के, थाना में ही थे आप जानते हो उनको, तो एक मेरे मित्र बोले कि ऐसा ऐसा एक रिवॉल्वर का काम है तो उनको कुछ करना नहीं रिजेक्ट करना है, आपको मालूम है ना यहाँ रिजेक्ट कर लेना ही पैसा मिलता देते थे वो, कि यहाँ से रिजेक्ट किया फिर होम मिनिस्टर को पैसा दिया उधर होम या स्टेट को तो रिवॉल्वर मिल जाता था, ये सदियों से पुरानी आदत है। तो मेरे ख्याल से उसने मुझे पूछा कि ये कमिश्नर कैसे हैं, मुझे मालूम नहीं था इसका काम क्या है, वो बोला कमिश्नर कैसे हैं, मैं बोले अच्छे हैं, बोले क्या कैरेक्टर वाला आदमी है क्या, मतलब ऐसा तुच्छता से पूछा कैरेक्टर वाला आदमी का, मैं बोला हाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कैरेक्टर वाला आदमी है तेरी की बोला क्या तेरी की बोला फिर मेरा काम नहीं होगा, मैं बोला क्यों, मैं बोले इसके पहले जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो 25 लाख लेते थे और रिजेक्ट कर देते थे, रिजेक्ट करने का 25 लाख, फिर हम गृह मंत्री को और 25-50 दे के रिवॉल्वर का लाइसेंस करवाते थे और गृह राज्य मंत्री से ही होता था। सर एक मेरे मित्र हैं गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कम से कम 25 करोड़ तो खाली रिवॉल्वर का लाइसेंस देके कमाए। सर जब कोई भी ऑफिसर जब आता है सबसे पहले पता ये किया जाता है कि ऑफिसर मतलब कि लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है, हाँ अगर लेने वाला है तो बहुत अच्छा है, और लेने वाला अच्छा है तो किसके थ्रू लेता है, हाँ वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। और वो जो टीम है ना वो भी टीम भाग के उसके बाद जाती है, सर अभी जो इसके पहले साथ थे उनको हमने इतना कमा के दिया अभी आपको भी कमा के देंगे आप बोलो, तो पीए चुनते हैं ना सर, कि असल में ऐसा है कि ये मंत्रिमंडल का आया ये मंत्रिमंडल आया, सर मंत्री बदलते पीए वही रहते हाँ ज़्यादा करके, क्योंकि उनको मालूम है कि ये खाते में किस तरह से पैसा खाया जाता है, कहाँ पे क्या टेंडर है क्या है। एक कुछ सामाजिक न्याय का एक टेंडर था उसमें सर मेरे दोस्त ने 100 करोड़ दिए, आपका मेरा कॉमन फ्रेंड है वो, मगर उसने किसी और से 100 करोड़ सर सामाजिक न्याय के काम हुआ उसका, हाँ काम हुआ, काम पैसा देगा तो काम हो गया, तो पैसा दिया काम हो गया और उसको कुछ 400-500 करोड़ का टेंडर भी मिल गया, उसको 100 करोड़ दिया उसने, और सर 100 करोड़ भी खुले बैग बंगले पे लेके गए, ये बोलो हिम्मत, उस समय 2000 की नोट चल रही थी करके थोड़ा आसान हुआ काम, तो सर वो बात अलग है, मगर अभी का मंत्रिमंडल और वो मंत्रिमंडल में फर्क होने की संभावना है ही नहीं, वही लोग हैं, वही लोग हैं सब कुछ, वही सिस्टम वही है सब, खाली एक सिस्टम में थोड़ा बदलाव ये हुआ है कि अभी जो मंत्रिमंडल है
वो इलेक्शन ओरिएंटेड मंत्रिमंडल है सर। पहला मंत्रिमंडल था ना, उनको खाली जिंदा रहना था, इनको जीतना है तो इनकी जरूरत ज़्यादा है सर। पहला मंत्री एक महीने का 50-100 करोड़ मिल गया था, खुश रहता था, उसका सब आधा उधर दिया, आधा रख लिया, हो गया। हाँ, मतलब देखने के बाद भी 100-150 करोड़ रह जाता था मंत्री के पास, बहुत सारे बहुत सारे। मगर अभी क्या है ना, उनको सामने 1,500 करोड़ का खर्चा दिख रहा है। इस समय का इलेक्शन जो 2024 का रहेगा सर, वो मैं पहले आंकड़े बताता, कल ने एक ने मुझे पागल बता दिया। वो बोला मैं कर्नाटक का इंचार्ज था, हाँ हाँ, इसका इलेक्शन का, तो बोले तुमने बोल दिया कि यहाँ पे कॉरपोरेशन के लिए 1-5 करोड़, विधानसभा के लिए 10-50 करोड़ तक, लोकसभा के लिए 50-100 करोड़, ऐसा तुमने बताया। वो बोला भाई कर्नाटक में पूरा 3 महीने रहा और बीजेपी का ही काम किया उसने, अपना दोस्त है, तुम्हारा और मेरा कॉमन दोस्त है, अपने कॉमन दोस्त बहुत है और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उसने तो वहाँ के मंत्री का काम किया और बहुत सारे लोगों का काम किया। वो बोला वहाँ पे तो अभी इलेक्शन में बांटने का जो पैसा है वो 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। बांटने के लिए 100-150 करोड़ खर्चे तो ऑफिशियल अलग, अनऑफिशियल अलग, कार्यकर्ताओं के अलग, मतलब पैसे की बारिश हो रही है सर। वो बोला मतदाता तुम इधर बोल रहे हो 1,000-5,000 लेते हैं, वहाँ 10,000 के नीचे ले नहीं रहे थे, कम से कम एक व्यक्ति के पीछे 10,000 चाहिए। और वो बोला वहाँ की सोसाइटी वगैरह हाउसिंग बड़े बड़े लोगों की, वो बोलते थे हमारा ऑफिस बनवा के दो, ये बनवा के दो, रास्ते बनवा के दो, अंदर ये करो, और सब करना पड़ता था पैसा दे के। तो बोला कर्नाटक की निवडणूक जो है वो कांग्रेस ने जीती और बीजेपी ने हारी, मगर पैसा दोनों का उतना ही गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पैसा कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, दोनों ने उल्टा बीजेपी ने ज़्यादा डाला हुआ क्योंकि अभी सत्ता में थे वो। हाँ, तो बोले ऐसा कुछ है नहीं सर। एक बात यह है कि महाअघाड़ी सरकार जो है उसको ज़्यादा पैसा खाना मजबूर है वो, क्योंकि अभी इलेक्शन है और लोकसभा का इलेक्शन सर, मोदी साहब ने ऐसा बोला है कि इलेक्शन का राज्य में जो खर्चा है वो हम चाहेंगे कि आप ही अपना करो, मतलब हर स्टेट को अलग अलग दे दिया अपने जवाब, हमने ऊपर से कितना भेजना है उसके ऊपर डिपेंड मत रहो, तुम्हारा खर्चा तुम करो, हमको जब ज़रूरत लगेगी या लगेगा या हम क्या करेंगे, उन्होंने एक अच्छा शब्द यूज़ किया, ऐसा बोलते हैं कि वो बोले पैदल, पैदल को क्या इन्फेंट्री बोलते हैं ना, वो पैदल चलते हैं वो सैनिक, वो तुम्हारे रहेंगे, हाँ हमारा हवाई दल रहेगा और मीडिया नौदल रहेगा। तो हम ऊपर से जो करना है प्रचार, माहौल बनाना है देश भर में या हमारी सभाएं वगैरह, वो हम करेंगे, मगर लोकल खर्चा जो है वहाँ तक आप हमारे से अपेक्षा मत रखो, ऐसा बोला है, ऐसा बोलते हैं। तो सर अभी सब जुटे हुए पैसा कलेक्ट करने में, जी तो 6 महीना तो बचा है चुनाव में, सब पूरी ताकत लगाने लोकसभा के लिए, मैं पिल्लू छोड़ना चाहता हूँ, पिल्लू इसलिए बोल रहा हूँ कि कन्फर्मेशन नहीं मिला है मुझे जी। अगर कन्फर्मेशन मिलता तो मैं हमेशा की तरह आपसे 1,00,000 लगा चुका होता, इसलिए लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ने बीजेपी के ही नेते ने बोला, मगर वो नेता इतना ऊंचा नहीं है जितने मेरे दोस्त है उतना, तो उसने बताया कि वो दिल्ली गया था, दिल्ली से आया, वो बोला कि मुझे दिल्ली में तो हवा ऐसी दिख रही है कि ये दिवाली के समय लोकसभा का इलेक्शन होगा। हाँ, मतलब 2023 में, अब भी सर दिवाली कहाँ दूर है, वही 2023 में, हाँ नवंबर, 2-3 महीने नवंबर में, हाँ वो बोले दिवाली में सर, वाजपेयी जी ने भी ऐसे किया था, हवा है, वाजपेयी जी ने भी ऐसे किया था गलती शायद 2004 में, फील गुड इंडिया, साइनिंग इंडिया के नाम पे 6 महीना पहले चुनाव ले लिया उन्होंने, लेकिन सर लॉस हो गया, ऐसा बोला जाता है। जो उसने मुझे कहा वो बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं क्या कोई कन्फर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, दिवाली की बात वो कर रहे हैं, वो बोले कि ये इंडिया आघाड़ी जो है वो एक दूसरे से मेलजोल खाने से पहले वो चाहते हैं कि इलेक्शन ही हो जाए, तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा, एक अभी 2-3 महीने में कुछ होगा नहीं, 31 तारीख को जो होने वाला है तमाशा इधर, उसमें कुछ नहीं होगा, 2-4 पार्टी आएगी जाएगी, चाय पियेंगे, ममता बनर्जी ने कल ही इनके बम्बू लगा दिया है कि मैं भी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हूँ बोल दिया है सर उसने, वो तो केजरीवाल भी हैं बहुत सारे हैं, बहुत सारे वो तो, जितने पार्टियाँ उतने चेहरे हैं। हाँ तो सर बदनाम महायुति हुई, मगर खा ज़्यादा महाअघाड़ी हुई, नहीं महाअघाड़ी बदनाम ज़्यादा हुई, महायुति ज़्यादा पैसा खा रही है, क्योंकि उनको इलेक्शन को सामोरे जाना है,
और क्योंकि कपड़े चेंज हुए, अंदर आदमी वही। क्या बात है, क्या बात है। अभी आप तो अनिल दत्त के बाप बन रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो सर, थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा यही था कि क्या भ्रष्टाचार के मामले में महाविकास आघाड़ी की सरकार राज्य में ही थी या महायुति में भी भ्रष्टाचार। आपके सामने भी कोई अगर इस तरह की वाक्य हुआ रहे भ्रष्टाचार का या आपको मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स जो व्हाट्सअप है उस पर जरूर कीजिएगा। और क्या कहेंगे आप महायुति सरकार के बारे में, अनुभव बताइए। यस, महायुति सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बताइए। और लगे रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।